मित्रों, आपका स्वागत है एमए उत्तरार्ध की इस व्याख्यान वाला में। पूर्व में हम तुलसी पर निबंध के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसके अंतर्गत हमने तुलसी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी ले ली थी। अब निबंध खाली व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर तो आधारित हो नहीं सकता, तो उनका जो कृतित्व रहा, उनका जो स्वभाव रहा, तो उसका प्रभाव साहित्य पे निश्चित रूप से रहा होगा। तो उन्होंने जो साहित्य लिखा या जो साहित्य रचा, उस रचे हुए साहित्य की क्या विशेषताएं रही, इसकी जानकारी भी निबंध के लिए आवश्यक होती है। तुलसी एक महान भक्त कवि थे जो स्वांते सुखाए के लिए तो लिखते ही थे, उसके साथ साथ समाज कल्याण और समाज के समन्वय के बारे में भी बहुत कुछ सोचते थे और उनका साहित्य रचनात्मक रहा है। कबीर का साहित्य तुलसी की तरह रचनात्मक नहीं रहा, वह विध्वंसात्मक रहा एक तरह से, कि जो मान्यताएं थी उनको तोड़ दो, उखाड़ दो। अब इसका मतलब आप ये मत ले लेना कि कबीर जो है वो बिल्कुल ही कोई आतंकवादी रहे होंगे, नहीं। जो बुराइयां थी समाज में, उन बुराइयों को उन्होंने जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ही अपनी बात को रखा, खंडन किया। लेकिन तुलसी खंडन की तरफ नहीं गए, तुलसी गए समन्वय की तरफ, तुलसी गए रचना की तरफ। और समाज की जो कल्याणकारी भावनाएं होनी चाहिए, उन भावनाओं से प्रेरित होकर ही तुलसी ने काव्य की रचना की। और इसीलिए वो एक समाज सुधारक भी हैं, समाज के रचनाकार भी हैं, समाज को स्वरूप देने वाला व्यक्तित्व भी वो रखते हैं अपने साहित्य के माध्यम से। तो हम कह सकते हैं कि तुलसी का जो साहित्य था या जो साहित्य है, क्योंकि था नहीं कह सकते हम, जो साहित्य हमारे सामने है, वह लोक कल्याण की चार प्रमुख जो भावनाएं होती है, चार जो प्रमुख प्रवृत्तियां होती है, उन पर आधारित रहा है। जैसे पहला लें तो भक्ति भाव, दूसरा लें धार्मिक समन्वय, तीसरा लें तो आदर्शों की स्थापना, सामाजिक आदर्शों की स्थापना, और चौथा लें तो दासता से मुक्ति का संदेश। ये चार प्रमुख तत्व इनके साहित्य के रहे हैं। लेकिन जब हम विवेचना करते हैं काव्य की विशेषताओं को, तो हमें आम तौर पर उसको दो हिस्सों में बांट करके देखते हैं। एक तो साहित्य का भाव पक्ष और दूसरा साहित्य का कला पक्ष। ऊपर मैंने जो चार बातें बताई है वो सारी की सारी भाव पक्ष के अंतर्गत आती है। तो ये हमने तुलसी की चर्चा करते समय ये कहा कि ये समाज का नेतृत्व करने वाले व्यक्तित्व थे, इनका साहित्य हमारे लिए, भारत के लिए, और खाली भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व के लिए मसाल का कार्य करते हुए उसको एक रोशनी प्रदान करता है। तो तुलसी के साहित्य को भी हम, उनकी विशेषताओं को हम दो भागों में बांटकर देखेंगे।
भाव पक्ष और कला पक्ष, और तुलसी के साहित्य में दोनों ही पक्ष का संतुलन बहुत जबरदस्त मिलता है, क्योंकि उनका कला पक्ष भी उन्नत है, उच्च कोटि का है और अत्यंत समृद्ध है। इसी तरह उनका भाव पक्ष भी अपना स्थान रखता है। तो भाव और कला दोनों पक्ष तुलसी के साहित्य में हमको बहुत समृद्ध रूप में मिलते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं भावगत विशेषताएं। भावगत विशेषताओं के अंतर्गत हम भक्ति की भावना को ले सकते हैं, तुलसी के समन्वय के भावना को ले सकते हैं, उनका जो प्रकृति चित्रण रहा है साहित्य में उसको भी हम देख सकते हैं, उनके द्वारा जो सामाजिक आदर्शों की स्थापना हुई वो भी एक विचारणीय बिंदु होता है, और दासता से मुक्ति का जो संदेश उस समय तुलसी ने दिया था उसको हम भुला नहीं सकते। तो इस तरह से ये 5-7 जो बिंदु हैं, हालांकि बिंदु यदि हम निकालें और लंबा लिखना चाहें तो और बहुत से बिंदु मिल जाएंगे हमको। जीवन के जितने क्षेत्र हैं वो सब क्षेत्र तुलसी के साहित्य में विशेषताओं के अंतर्गत हम ले सकते हैं, क्योंकि जन्म से लेकर मृत्यु तक तुलसी ने कोई जीवन का ऐसा अंश नहीं छोड़ा जो कि उनके साहित्य में आने से वंचित रह गया हो। लेकिन जब हम लिखते हैं तो हमारी एक सीमा होती है, हम उस सीमा के अंतर्गत रहते हुए ही ये 5-7 जो मुख्य बिंदु हैं उनके साहित्य की विशेषताओं में जिन्हें हम ले सकते हैं उनको हम इस निबंध के अंतर्गत देखेंगे। जहां तक भक्ति भावना का सवाल है, तुलसी ने जीवन में राम की सर्वस्वता को स्वीकार किया है, आवश्यक भी बताया है, और इसके साथ साथ उन्होंने अपना इष्ट भी या इष्ट देव भी राम को ही स्वीकार किया है। हालांकि कुछ रचनाओं में कृष्ण की भक्ति भी इनकी मिलती है, और इनके राम की भक्ति के साहित्य में अन्य देवी देवताओं की जो महत्ता है उसको भी इन्होंने उसमें रखा है। जैसे शिव की हर जगह रामचरितमानस में जो है उन्होंने महत्ता को स्वीकार किया है, चाहे वो किसी तरह से करो। और भक्ति के अंतर्गत आपने राम का जो चरित्र था या राम का जो चरित्र हमारे भीतर आज वर्तमान है उसकी पवित्रता का, राम की महानता का, उनके उदार हृदय की विशालता का विशद वर्णन इन्होंने रामचरितमानस में भी किया है और अन्य जो ग्रंथ लिखे हैं विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, उनमें भी किया है। हालांकि कवितावली वगैरह में कृष्ण का है, लेकिन और भी बहुत से ग्रंथ आपने जो लिखे हैं उनमें भी आपने किया, जैसे रामचरितमानस है, रामलला नेहचू है, रामाज्ञा प्रश्न है, जानकी मंगल है, इन सब में आपने राम के जो चरित्र का उज्ज्वल पक्ष है उसको बहुत अच्छी तरह से भक्ति भावना के साथ रखा है। और उस भक्ति भावना के साथ इनकी भक्ति पर जब हम चर्चा करेंगे तो ये पाएंगे कि इनकी भक्ति किस तरह से, एक सवाल उठता है। तो ये प्रश्न भी सामान्य ज्ञान वगैरह में पूछा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इनकी भक्ति दास्य भाव की भक्ति थी। ये स्वयं को दास मानते थे, दीनहीन मानते थे, और राम को, अपने इष्ट को
कल्याणकारी उद्धार करने वाला मानते थे कि वो मेरे जैसे निम्न कोटि के व्यक्ति को भी प्रार्थना करने पर मुक्ति प्रदान कर देंगे, कष्टों से छुटकारा दिला देंगे। तो वो इन साहित्य में या तुलसी के साहित्य में तुलसी की हीनता अर्थात व्यक्ति की हीनता का वर्णन है, और वर्णन जो है इतना मनोहारी है कि हर पढ़ने वाला व्यक्ति उससे मोहित हो जाता है। इसके साथ साथ राम की दयालुता का भी बड़ा मनोहारी वर्णन है, जो ये दर्शाता है कि राम बेहद उदार थे, दयालु थे। राम के स्वभाव की एक और बात है जो भक्ति के अंतर्गत न लेकर के हम आगे दूसरे बिंदु के अंतर्गत लेंगे। दूसरी जो विशेषता तुलसी के साहित्य में मिलती है वो है समन्वय की भावना। हम जानते हैं कि तुलसी के समय का समाज विश्रृंखलित था, बिखरा हुआ था, जातियों और समुदायों में बंटा हुआ था, शहरी ग्रामीण और वन में रहने वाले लोगों के बीच में बंटा हुआ था, और वो एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव भी नहीं रखते थे। तो फिर समाज बन के कैसे रह सकता है एक? तो उसके लिए तो जरूरी है ना कि उनमें जो विविध मत रखते हैं, विभिन्न जीवन शैलियां रखते हैं, या एक दूसरे से आगे बढ़ने की, दूसरे को नुकसान पहुंचा के आगे बढ़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो उनमें एकता कैसे करवाई जाए ताकि समाज आगे बढ़ सके। समाज आगे कब बढ़ता है? जब एक होता है, दूसरे के प्रति समन्वय के भाव रखता है, एकता के भाव रखता है, दूसरे के लिए अच्छा सोचता है, अच्छा करता है, तभी वह समाज आगे बढ़ता है। और हम गुलाम रहे, ये बात तुलसी जानते थे कि हम गुलाम क्यों हैं, क्योंकि तुलसी जब थे तो हम गुलाम थे, मुगलों की गुलामी कर रहे थे। तो समन्वय की भावना को उन्होंने समाज के लिए अत्यधिक जरूरी समझा, और तुलसी ने अपने लगभग समस्त साहित्य में, रामचरितमानस तो खैर एक मील का पत्थर है, उसमें समन्वय का संदेश दिया है। उन्होंने उस समय के विश्रृंखलित समाज, विकृत धर्म का स्वरूप और उस स्वरूप के फलस्वरूप उत्पन्न हुए विद्वेष और घृणायुक्त समाज में समन्वय की कोशिश इनके साहित्य में मिलती है। और यही कारण रहा कि इनके साहित्य में इष्ट राम के साथ साथ, इनके इष्ट तो राम थे, तो इन्होंने राम का वर्णन तो सर्वत्र किया ही है, उसके साथ साथ अन्य देवी देवताओं की महत्ता को भी अपने साहित्य में स्वीकार किया है। और यही कारण रहा है कि राम के मुख से, स्वयं राम के मुख से, राम विष्णु के अवतार थे तो हम कह सकते हैं कि वैष्णव मत वाले राम को मानते हैं, तो उन्होंने समन्वय के लिहाज से ही राम के स्वयं के मुख से शिव की महिमा का बखान करवाया है। एक छोटा सा उदाहरण एक लेते हैं पद, शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने हु नहीं पावा, कि शिव का द्रोही चाहे मेरा दास कहलाए लेकिन वो सपने में भी मुझको नहीं पा सकता। तो कितना बड़ा समन्वय का भाव बनता है कि अर्थात शिव और विष्णु अलग नहीं बल्कि एक है। तो यहाँ अद्वैतवाद जो दर्शन का एक मत है उसकी तरफ जाते हुए तुलसी दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ
उस समय भक्ति के बहुत से तरीके थे, निर्गुण और सगुण हम ले सकते हैं, तो दोनों में समन्वय की कोशिश इनके साहित्य में मिलती है। वैष्णव और शाक्त जो है उनमें भी समन्वय के भाव दिखाई देते हैं। इसके अलावा भक्ति महत्वपूर्ण है या कर्म महत्वपूर्ण है या ज्ञान महत्वपूर्ण है, इस पे भी मतभेद हुआ करते थे, तो तुलसी ने भक्ति, कर्म और ज्ञान इन तीनों में भी अपने साहित्य में समन्वय की कोशिश की है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि तुलसी के साहित्य में हर स्थान पर, हर ग्रंथ में एक समन्वय का प्रयास दिखाई देता है और वो काफ़ी हद तक सफल भी रहता दिखता है। अब हम एक और विशेषता को लेते हैं, वो है प्रकृति चित्रण। तुलसी प्रकृति के चितेरे थे, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि उन्होंने समाज को छोड़ दिया था और आश्रम वगैरह में जाकर रहने लग गए थे। तो आश्रम वगैरह में प्रकृति भरपूर रूप में होती थी, अपने चरम सौंदर्य को दिखाती हुई होती थी। तो निश्चित रूप से तुलसी ने जो साहित्य रचा वो प्रकृति के बीच में रहते हुए रचा। तो प्रकृति के विविध रूप तुलसी के साहित्य में दिखाई दे जाते हैं। तो लंबी चौड़ी चर्चा यहां हम नहीं करेंगे, जब खाली प्रकृति वर्णन की कभी बात आएगी तब हम उस पर आगे और चर्चा कर लेंगे। प्रकृति का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, उसमें आमतौर पर दो रूपों में प्रयोग की चर्चा चलती है, या तो आलंबन या उद्दीपन। कुछ कवि आलंबन रूपों का प्रयोग करते हैं, प्रकृति आलंबन रूप में प्रकृति का प्रयोग करते हैं, तो कुछ उद्दीपन रूप में प्रकृति का प्रयोग करते हैं। लेकिन तुलसी के साहित्य में प्रकृति दोनों रूपों में मिलती है, आलंबन रूप में भी मिलती है और उद्दीपन रूप में भी मिलती है। अर्थात जो भाव तुलसी सामने लाना चाहते हैं वो पैदा करने वाला रूप भी है और उसको उत्तेजित करने वाला रूप भी है। तो तुलसी ने प्रकृति का विवरण या वर्णन साहित्य के अपने भावों को प्रकट करने के लिए, उनको और अधिक स्पष्ट रूप से दर्शाने के लिए ही किया है। इसलिए नहीं किया कि लोग उनको विद्वान माने कि बड़े प्रकृति के जो है जानकार हैं तुलसी, ऐसी कोई बात नहीं थी, बल्कि अपने जो भाव, जैसे सीता और राम बाग में अब एक दूसरे को देखते हैं, तो वहाँ प्रकृति का दोनों रूपों में प्रयोग हुआ है, आलंबन और उद्दीपन। आगे वन गमन में भी राम और सीता रहे हैं, तो वहाँ भी प्रकृति का उपयोग आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में तुलसी ने किया है। अब हम अगला जो आते हैं वो है सामाजिक आदर्शों की स्थापना, इनके साहित्य में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। समन्वय चाहते हैं तो कब होगा समन्वय, ये बात तुलसी जानते थे, क्योंकि उस समय हमारा समाज आदर्शों से भटक चुका था, भूल चुका था कि हमको मनुष्य होने के नाते मनुष्य के, मानवता के आदर्शों पे चलना है। और हम जानते हैं कि तुलसी एक ऐसे कवि थे जो कि लोक मर्यादा का पालन करते थे, तो इनका साहित्य भी लोक मर्यादा का पालन करता हुआ दिखाई देता है।
उस समय के तात्कालिक अस्त व्यस्त समाज में कोई आदर्श नहीं था, किसी का कोई सम्मान नहीं था। तो एक ऐसा व्यक्तित्व चाहिए था जिसके प्रति लोग आकर्षित हो सकें। तो तुलसी ने रामायण, जो कि वाल्मीकि ने लिखी थी, उसके राम को लिया, उनके आदर्शों को लिया और उन आदर्शों को उस समय के तात्कालिक आदर्शों के साथ जोड़ा और राम के अनुकरणीय आदर्श जो थे वो अपने रचनाओं के माध्यम से, अपनी कृतियों के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत किए। इनमें रिश्तों का आदर्श था, मित्रता का आदर्श था, आपसी भाईचारे का आदर्श था, ऊंच नीच को नष्ट करने का आदर्श था। तो ये सब तरह के आदर्श आपने अपने साहित्य में बताए। ये तो मैंने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया, ऐसे बहुत से आदर्श, पिता पुत्र के रिश्ते हैं उनका आदर्श, पति पत्नी का आदर्श, राजधर्म का आदर्श, बेटे और पिता का आदर्श, भाई भाई का आदर्श, देवरानी जिठानी का आदर्श, सब तरह के आदर्श उसमें दिए हैं, जो हमें बताते हैं कि यदि आदर्शों की पालना करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज हमारा परिवार बना रहेगा, और यदि उनको तोड़ा या पालन नहीं किया तो हम, जिस तरह से तुलसी के साहित्य में परिवार विखंडित होता है, समाज विखंडित होता है, देश टूटता है, तो वो हालत हमारी भी हो जाएगी। तो उन्होंने इन रिश्तों के माध्यम से, रिश्तों के आदर्श के माध्यम से, मित्रता के आदर्श के माध्यम से, भाईचारे के आदर्श के माध्यम से समाज को नीति निर्देश तत्व दे करके उस वक्त के समाज का पथ प्रदर्शन किया और आज भी तुलसी का साहित्य हमारा पथ प्रदर्शन कर रहा है। कालातीत नहीं हुआ है, तुलसी के द्वारा प्रस्तुत किए गए मार्ग आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है। और जब आदर्श होता है तो उन आदर्शों में एक चीज निश्चित रूप से होती है कि मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन सजगता से करे, तत्परता से करे। और तुलसी के साहित्य में कर्तव्यों के पालन की बात बड़ी सजगता से, बड़ी जागरूकता से हमको बताई गई है। राम चाहे वन गमन को गए हो, राम भरत का मिलाप हो, सीता हरण हो, लक्ष्मण की मूर्छा आदि का प्रसंग हो, तो इन सब प्रसंगों में कोई न कोई आदर्श हमारे सामने आता है और कोई न कोई कर्तव्य भी हमारे सामने आता है। और उन सब की पालना किस रूप में करनी है वो तुलसी के साहित्य में रामचरितमानस से लेके उनके अंतिम ग्रंथ माना जाता है, जिसे मैं कह सकता हूँ विनय पत्रिका तक, हमको बहुत स्पष्ट रूप से मिलते हैं। अब एक और विशेषता जिसे मैं बहुत महत्वपूर्ण विशेषता बताऊंगा, उसकी चर्चा करूंगा, दासता से मुक्ति का संदेश। तुलसी के समय तक हम सैकड़ों वर्षों की गुलामी में जी रहे थे, कभी किसी की गुलामी कभी किसी की गुलामी, लेकिन थे गुलाम के गुलाम। और उस गुलामी से मुक्ति का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, लोगों में निराशा के भाव पैदा हो रहे थे और लोग जो चर्चा करते हैं, जिनकी सोच थोड़ी नकारात्मक है, वो कहते हैं कि भारत की जनता उस समय निराशा के दौर में
डूब गई थी, कुछ करने के काबिल रही नहीं थी, संघर्ष वो कर ही नहीं सकती थी। इसलिए तुलसी ने उस नैराश्य भाव में मजबूर होकर के राम जैसे व्यक्तित्व को पैदा किया और उसकी तरफ देख करके हम खुश हो लेते थे कि राम हमारी मुक्ति को प्रदान करेंगे, हमें मुक्ति प्रदान करेंगे। जबकि मेरा ये मानना है कि ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या है? ठीक है, हमारा समाज उस समय पंगु हो गया था, हमारे भीतर दतकती हुई आग नहीं रही थी, निराशा के भाव में हम जा भी रहे थे, लेकिन हम इतने मजबूर नहीं हुए थे कि हम कुछ कर ही ना सकें। और तुलसी ने इस बात को पहचाना और इसीलिए राम जैसे व्यक्तित्व के माध्यम से भारतीय समाज को जगाने का प्रयास किया। अब देखिए, राम राजकुमार थे, राजा भी बनने वाले थे, चलो शक्तिशाली थे उस समय, लेकिन जब वो वन गमन को आए तो वो एक सामान्य मनुष्य की तरह थे, दो भाई साथ में पत्नी, क्या कर सकते थे जबकि इतने ताकतवर राक्षस जगह जगह घूम रहे थे, दुखी करने वाले, तंग करने वाले लोग बहुत थे। लेकिन राम ने उन सामान्य परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी, ताकतवर से ताकतवर उस समय के व्यक्ति से संघर्ष किया, बाली से संघर्ष किया, रावण से संघर्ष किया, और दोनों ही उस समय के सबसे बलशाली राजा हुआ करते थे। लेकिन राम ने उनको हराया, उनको परास्त किया। किस तरह से? हर समुदाय को अपने साथ लेकर के, ग्रामीणों को अपने साथ लिया, केवट को लिया, सबरी को लिया, और शिला को नारी बनाया तो नारियों को भी साथ लिया, और तो और वानर, भालू इत्यादि जो जंगली प्रजातियां थी मनुष्यों की, या आदिवासी जिसको हम कह सकते हैं वो थे, उनको भी अपने साथ लिया और उनको एक किया, उनको नेतृत्व प्रदान किया, और अन्यायी, अत्याचारी, बहुत ताकतवर राजाओं को परास्त भी किया उनको साथ लेकर। तो ये चीज तुलसी ने संदेश दिया सीधा सा कि हम भारत के लोग अभी मरे नहीं हैं, जिंदा हैं, हम में ताकत है। तो हम भारतीयों में उस दास्ता से मुक्ति की जो हमारे भीतर थोड़ी बहुत चिंगारी थी, उस चिंगारी को उन्होंने एक ज्वाला के रूप में लाने का प्रयास किया ताकि हम दास्ता से मुक्त हो सकें। ये नहीं कि निराश भाव में आकर के भगवान को याद करने लगे, स्मरण करने लगे, भगवान अपने आप आके हमारी रक्षा करेगा। तुलसी के साहित्य में ऐसा नहीं था। तो अब हमने जो है तुलसी के भावगत विशेषताओं के बारे में जानकारी ली, काव्यगत विशेषताओं के बारे में हम अगले व्याख्यान में जानेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।